हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हियर माई सेल्फ मंजेश सर। टुडे वी विल प्रोसीड टू डिस्कस द लेक्चर नंबर 1 पार्ट जी। चलिए बच्चों, आज हम लोग जो नेक्स्ट लेक्चर देखने जा रहे हैं वो हमारा क्या है, लेक्चर नंबर 1 का पार्ट जी है। मतलब हम लोग आप हमारे DPP डिस्कशन ही चल रहा है और हमने DPP हम लोग 05 पे पहुंच गए, ठीक है ना। फिफ्थ नंबर ये DPP है आपका, और देखो फिफ्थ और एक और DPP आएगा, फिफ्थ और सिक्स, उसके बाद आपका केमिकल फार्मूला खत्म हो जाएगा और फिर कल से हमारा जो होगा चैप्टर 1 का जो हमारा सिलेबस है वहाँ से हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो अब देखो, आज को जो DPP डिस्कशन आपका कितना है, 05 है। आज जो हम लोग एक नया है, ठीक है ना, उसमें कुछ और भी हार्ड केमिकल्स हम लोग लेते हैं, ठीक है ना बुआ। चलिए अब देखिए, हम लोग यहाँ पर बुआ देखो, ए सीरीज, इसमें भी वो ई एफ तक सीरीज है, ठीक है ना। ए सीरीज, बी सीरीज, सी सीरीज, डी सीरीज, ई सीरीज और एफ सीरीज, ठीक है ना। इसमें भी 4 सीरीज है बुआ, 6 सीरीज है सॉरी। अब देखो बुआ, सबसे पहला हम लोग बनाते हैं, चलो हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, पहला क्वेश्चन 1A का ही ले लेते हैं। 1A में बोल रहा है बुआ, ठीक है ना, हाइड्रोजन थायोसल्फेट पूछ रहा है क्या, व्हाट वुड बी द फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन थायोसल्फेट। तो अब देखो बुआ, हम लिखते हैं हाइड्रोजन थायोसल्फेट। देखो बुआ, जब हाइड्रोजन थायोसल्फेट बोले तो हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है, एच, और थायोसल्फेट का क्या हो जाता है बुआ, H2O3 पे एक दो निगेटिव चार्ज, H2O3 पे दो निगेटिव चार्ज। आपको समझ में आ रहा है बुआ, देखो यहाँ पे बनाना हमें डिस्कशन करना इसलिए जरूरत पड़ता है ना, क्योंकि हर एक सीरीज का एक अलग अलग वहाँ पर क्या हुआ प्रॉब्लम आ रहे हैं, तो अलग अलग प्रॉब्लम में डिफिकल्टीज लेवल धीरे धीरे जैसे जैसे DPP हम लोग आगे लेके चल रहे हैं ना, तो डिफिकल्टी लेवल क्या हो रहा है, बढ़ेगा। तो इसलिए हमें डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी होता है, और पहले जो ये क्लास लेक्चर है उसको पहले आप एक नोटबुक में लिखिए, उसके बाद आप DPP सॉल्व करिए। ऐसा नहीं जो क्लास लेक्चर में यहाँ पे है तो ये सॉल्व नहीं करेगा, ये सॉल्व करोगे ताकि तुम्हारा क्या होगा, वो ब्रेन का इन्हांसमेंट और ज़्यादा होगा। चलिए बुआ, अब हम लोग देखते हैं, तो इसको इस हाइड्रोजन पे तो प्लस चार्ज होता है, इसकी वैलेंसी 1 होगी बुआ, इसकी वैलेंसी क्या होगी बुआ, फिर इसकी वैलेंसी 2 होगी। अब देखो, मोर देन 2 एटम ब्रैकेट यूज करेंगे हम लोग, ध्यान से देखते चलिएगा बुआ, मोर देन 2 एटम वी विल यूज द ब्रैकेट, और उसके बाद यहाँ पर ये इसको एरो देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई नीचे से ऊपर है, तो बनेगा क्या बुआ, H2, यहाँ पर क्या बना H2, और फिर क्या बना बुआ, H2O3 का होल 1। अब 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वही फॉर्मूला आएगा, तो क्या बनेगा बुआ, H2S2O3। क्या ये समझ में आया, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजन थायोसल्फेट, इसको हम लोग क्या बोलेंगे बुआ, हाइड्रोजन थायोसल्फेट। चलो अब हम लोग एक फोर्थ नंबर बनाते हैं बुआ, फोर्थ ए का बनाते हैं, ठीक है ना। फोर्थ ए में देखोगे तो बोल रहा है क्या बुआ, इसमें बोलेगा पोटासियम, बोल रहा है पोटासियम, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पोटासियम थायोसल्फेट, थायोसल्फेट। देखो बुआ, थायो जहाँ पे वर्ड होगा वो जनरली सल्फर को डिनोट करता है, ठीक है ना। तो देखो पोटासियम थायोसल्फेट, तो यहाँ पोटासियम का क्या लिखेंगे बुआ, हम लोग के पे प्लस चार्ज, थायोसल्फेट का क्या लिखेंगे बुआ, H2O3 पे दो निगेटिव चार्ज, जैसे ऊपर बनाया वैसे ही बनेगा बुआ। इसकी वैलेंसी क्या होती है बुआ, 1, इसकी वैलेंसी क्या होती है बुआ, 2, मोर देन 2 एटम ब्रैकेट वी विल यूज द ब्रैकेट, क्रॉस मल्टीप्लाई नीचे को ऊपर लेके जाएंगे। अब देखिए बुआ, यहाँ तक समझ में आ रहा है आप लोग को, अब देखो ये 2 इधर चला जाएगा तो क्या बनेगा बुआ, K2 बना, और ये 1 इस पे चला गया तो क्या बना बुआ, H2O3, और इसका ब्रैकेट में क्या आ जाएगा बुआ, 1। बट अगर बुआ हम जानते हैं 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्वांटिटी में तो कोई चेंज नहीं आएंगे, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा बनेगा बुआ, बुआ K2, ठीक है ना, K2S2O3। क्या आया फॉर्मूला, K2S2O3, दिस इज कॉल्ड पोटासियम थायोसल्फेट, उसको हम लोग क्या बोलेंगे बुआ, पोटासियम थायोसल्फेट। अब चलो बुआ, अब एक जो हम सेकेंड वाले वैलेंसी वाले बना लेते हैं, एक बनाते हैं 10A, ठीक है ना बुआ। अब यहाँ पर देखो बुआ, 10A का, ये DPP5 का है, 10A का बनाते हैं, तो बोल रहा है क्या, निकल थायोसल्फेट बनाते हैं, किसका बना रहे हैं बुआ हम लोग, निकल थायो सल्फेट, किसका बना रहे हैं हम लोग, निकल थायोसल्फेट। निकल का क्या होता है बुआ, सिंबल Ni, थायोसल्फेट का H2O3 पे दो निगेटिव चार्ज। देखो भाई, इतना बार फॉर्मूले आपको यूज आने वाले हैं ना, तुमको एक बार ये सीरीज बना लो, ठीक है ना, जितने भी ये DPP 6 तक जो सीरीज है, समझ में आया ना बात, अगर ये 36 का सीरीज होगा बोला अप्रोक्सीमेशन, तो आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, आपको खुद ऑटोमेटिक इतना प्रैक्टिस हो जाएगा ना, जब आपको पूरे ब्रेन में वो क्या करे, कैप्चर कर लेगा, ठीक है ना, परसीव कर लेगा ब्रेन, तो बस एक बार ये DPP पूरा शुरू से लेकर अंत तक बना लोगे ना, मतलब स्टार्ट टू एंड आ जाएंगे, तो वो सारा खत्म हो जाएगा एक बार, और आपको याद करने की उतना जरूरत नहीं होगी। चलो बुआ, इस पर दो पॉजिटिव चार्ज, इस पे क्या होगा बुआ, इसकी भी दो वैलेंसी, इसकी भी वैलेंसी 2। अब देखो, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो सबसे पहला नियम, इसमें ब्रैकेट यूज करेंगे, जब ब्रैकेट यूज करोगे तो देखो बुआ, यहां पर इसको कैसे बनाएंगे, Ni, और यहां पर क्या होगा बुआ, 2, और यहां पर क्या होगा, H2O3।
O3S2O3 का ब्रैकेट और फी2। देखो अंदर वाले को हम लोग कोई भी कुछ भी नहीं करेंगे, बाहर वाले से क्या होगा, ये दोनों में सेम सेम आ गया तो कॉमन निकाल लो। तो Ni1S2O3 और यहाँ पर 1, तो एक्चुअली में 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो वही डिजिट रह जाता है। तो Ni2S2O3 दिस इज कॉल्ड निकल थायोसल्फेट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे बुआ, निकल थायोसल्फेट। चले बुआ ये समझ में आया। एक क्वेश्चन और इसका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे देखते हैं बुआ 15, ठीक है ना, 15A देखते हैं, ठीक है। इसमें बोल रहा है कोबाल्ट, देखो बुआ कोबाल्टिक थायोसल्फेट। चलो देखो कोबाल्टिक थायोसल्फेट जब देखोगे बुआ तो कोबाल्टिक का क्या होगा बुआ CO, थायोसल्फेट का क्या होगा H2O3 पे दो निगेटिव चार्ज, थायोसल्फेट का क्या होगा H2O3 पे निगेटिव चार्ज। इसकी वैलेंसी कितनी होती है 3, इसकी वैलेंसी कितनी होती है वो 2, मोर देन 2 एटम वी विल यूज द ब्रैकेट। यहाँ पे 3 को ऊपर लेके जाएंगे, इस 3 को अप लेके जाएंगे, इस 2 को अप लेके जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो यहाँ पर CO और यहाँ पर 2 आएगा और फिर यहाँ पर क्या होगा बुआ H2O3 और इसका ब्रैकेट यूज करेंगे और यहाँ पर क्या होगा 3। देखो बुआ यहाँ पर ये 2 और यहाँ पर ये 3 दोनों क्या है, कोई कॉमन नहीं होगा, 1 कॉमन होगा तो 1 समझ में आया ना, मतलब कि 2 कॉमन रहती है तब ना हम लोग इसको रिप्लेस करते हैं, लेकिन यहाँ दोनों में कोई कॉमन नहीं ना दिख रहा है ना, 1 को छोड़ के 1 को छोड़ देना है। तो अब ये क्या होगा एक्चुअली में फॉर्मूला भी इसका यही रह जाएगा, दिस इज कॉल्ड क्या होगा बुआ कोबाल्टिक थायोसल्फेट। कोबाल्टिक थायोसल्फेट का फॉर्मूला पता चल गया आप लोग को। चलो बुआ अब इसमें देखते हैं एक क्वेश्चन और देखते हैं, पहला सीरीज का हम पूरा डिटेल में बता देते हैं, उसके बाद हम लोग एक दो दो करके बना लेंगे बुआ। एक में बोल रहा है तुम्हारे पास, अब यहाँ पर देखो प्लम्बिक थायोसल्फेट, प्लम्बिक थायोसल्फेट 27 कितना है बुआ 27 का ए, प्लम्बिक थायोसल्फेट, ठीक है ना, प्लम्बिक थायोसल्फेट, प्लम्बिक का पी बी, थायोसल्फेट का H2O3 पे डबल निगेटिव चार्ज, पी बी पे 4 पॉजिटिव चार्ज क्योंकि इसमें एक लगा हुआ है। अगर प्लम्बस रहता तो यहाँ पर हम क्या यूज करते हैं 2 प्लस यूज करते हैं, लेकिन प्लम्बिक है तो क्या यूज करेंगे मैक्सिमम वैलेंसी प्लस 4 यूज करेंगे। तो अब देखो बुआ अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये प्लम्बिक इसमें 4 आ गया, यहाँ पर क्या होगा 1 आ जाएगा, यहाँ पे इसको ये 4 को ऊपर से नीचे ले जाओगे, इस 1 को ऊपर से नीचे ले जाओ, नीचे से ऊपर ले जाओगे। अब देखो बुआ यहाँ पर आपका जो आया ये H2 जो है मोर देन 2 एटम है तो इसे ब्रैकेट हम लोग यूज करेंगे, जब ब्रैकेट यूज करेंगे तब हमारा फॉर्मूला इजिली बन जाएगा, क्या बनेगा हमारा यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर PB2S2O3 का होल 4। अब देखो बुआ ये 2 और 4 दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, 2 कॉमन दिख रहा है, क्या दिख रहा है 2, तो जो कॉमन दिखे उसे रिप्लेस कर दो, तो यहाँ पर क्या होगा PB आता है ना करना, रिप्लेस कैसे करोगे PB और यहाँ पर क्या होगा बुआ यहाँ पे 1S2O3 का होल 2, इसको 1 से मल्टीप्लाई करते क्या होगा PbS2O3, समझ में आया ना बात, का होल 2 समझ में आया बुआ। अब ये बन गया, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं बुआ उसके बाद हमारा बन जाएगा ना। चलो 30 का ए, ठीक है ना 30A ले लो, जगह है हमारे पास हो जाएगा 30A, यूरेनाइल क्या होगा बुआ यूरेनाइल थायोसल्फेट। अब देखो बुआ यूरेनाइल का फॉर्मूला क्या होता है, UO पे 2 पॉजिटिव चार्ज, थायोसल्फेट का क्या होता है बुआ H2O3 पे 2 निगेटिव चार्ज, समझ में आ रहा बुआ UO पे 2 पॉजिटिव चार्ज, H2O3 पे 2 निगेटिव चार्ज। अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग इसकी वैलेंसी कितनी आएगी 2 आएगी, इसकी वैलेंसी कितनी आएगी 2 आएगी, चलो दोनों सेम मिल गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा बुआ ध्यान से देखो, यहाँ पर ये मोर देन 2 एटम वी विल यूज द ब्रैकेट, क्या आएगा UO और यहाँ पर क्या होगा बुआ यहाँ भी मोर देन 2 एटम वी विल यूज ब्रैकेट, UO क्या होगा सॉरी UO2 होगा यहाँ पर UO2 का होल 2, ये वाला 2 यहाँ चला गया, ये वाला 2 वहाँ पर चला जाएगा, H2O क्या बनेगा तुम्हारा H2O3 का होल 2, यहाँ तक समझ में आया हुआ। अब देखिए यहाँ पर ये वाला बंदा यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है तो एक्चुअली दोनों कॉमन निकल जाएगा ना, तो हम यहाँ पर दोनों 2-2 आया ना, तो ये 2-2 यहाँ पर दिख रही, ये 2 और ये 2 तो दोनों में 2-2 कॉमन आ गया, तो हम क्या करेंगे एक कॉमन निकालोगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ भी क्या आएगा 1 आ जाएगा, जब 1 आ जाएगा तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा फॉर्मूला, ये दोनों ब्रैकेट हट जाएगा ना क्योंकि वही फॉर्मूला बैठ जाएगा ना,
और यहाँ पर यही फॉर्मूला आ गया, लेकिन इसमें गैप तो स्पेस नहीं रहना चाहिए ना, तो हम क्या करेंगे, UO2S2O3, दिस इज कॉल्ड कौन सा बुआ, यूरेनाइल थायोसल्फेट। चले बुआ इसको जल्दी से नोट करिए, इसका बी सीरीज और सी सीरीज और डी सीरीज अभी पढ़ना है हमें। चले बुआ आप लोग उम्मीद है नोट कर लिए होइएगा, अब इसे हम इरेज करते हैं। चले बुआ नोट कर लिए, नहीं नोट किए तो जल्दी से वीडियो को पॉज करिए और नोट करिए बुआ। उसके बाद हम लोग देखते हैं, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्रोमेट और डाइक्रोमेट। चलो ये दोनों एक ही साथ बता देंगे, क्रोमेट डाइक्रोमेट एक ही साथ हम लोग करेंगे, इसको मिटा दें। चलिए बुआ अब हमारे पास क्या आ गया, क्रोमेट डाइक्रोमेट बचेगा, फिर फॉस्फेट बचेगा, फिर फॉस्फाइट बचेगा, फिर फॉस्फाइड। उसके बाद हमारा ये भी लेक्चर आज खत्म हो जाएगा और एक और लेक्चर होगा कल, वो खत्म होगा। उसके बाद नेक्स्ट डे से हम लोग वी विल डिस्कस द चैप्टर, और अब चैप्टर में तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा एकदम। चलिए बुआ हो गया, चलो अब देखते हैं बुआ हमारा नेक्स्ट जो है बी सीरीज, कौन सा सीरीज, बी सीरीज। अब देखो बुआ पहला तो बना लिया, अब देखो 2B बनाते हैं, ठीक है ना। चलो अब यहाँ पर 2B, चलो 2B में क्या बोल रहा है बुआ, देखो लिथियम क्रोमेट, पहला बोला क्या लिथियम, ठीक है ना, लिथियम क्रोमेट। अब देखो लिथियम क्रोमेट का फॉर्मूला क्या होगा 2B। उसके बाद बुआ हम लोग देखेंगे 9B जिंक क्रोमेट, क्या होगा हमारा जिंक क्रोमेट। और उसके बाद एक और देखेंगे इसमें से, हाँ 16B, चलो क्या होगा ए ऑरस क्रोमेट, चलो ऑरस क्रोमेट। देखो बुआ यहाँ पे जल्दी जल्दी, अब देखो थोड़ा फास्ट बनाएंगे हम लोग, ठीक है ना, सोचेंगे जल्दी, ब्रेन में अब कैलकुलेशन करेंगे। लिथियम का क्या आएगा बुआ Li, क्रोमेट का क्या होगा बुआ Cr2, क्रोमेट का सॉरी CrO4, डाइक्रोमेट का Cr2 से बना होता है CrO4। इस पर दो निगेटिव चार्ज, इस पर क्या होगा बुआ एक पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर देखो इसकी बैलेंस कितनी होगी 1, इसकी बैलेंस कितनी होगी बुआ 2, दो निगेटिव चार्ज 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे देखेंगे मोर देन 2 एटम, ये CrO है तो यहाँ पे क्या करेंगे ब्रैकेट यूज करेंगे, तो फॉर्मूला आएगा हमारा बुआ Li2CrCrO4। अब देखो बुआ यहाँ पर ब्रैकेट यूज करेंगे तो 1 आएगा, लेकिन इसको जब इक्वल टू करेंगे तो ब्रैकेट को 1 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही क्वांटिटी रह जाएगा, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे Li2CrO4। समझ में आया, दिस इज कॉल्ड फॉर्मूला ऑफ लिथियम क्रोमेट। जिंक क्रोमेट का चलो बुआ देखते हैं फॉर्मूला, जिंक का सिंबल क्या होता है Zn पे 2 प्लस चार्ज, क्रोमेट का क्या होता है बुआ CrO4 पे 2 निगेटिव चार्ज, CrO4 पे क्या होता है बुआ 2 निगेटिव चार्ज। इसकी वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी भी 2, बट मोर देन 2 एटम, तो क्या करेंगे वी विल यूज द ब्रैकेट, हम लोग ब्रैकेट को यूज करेंगे और फिर यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हम लोग क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आप लोग को बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। चलो अब ये 2 ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा बुआ Zn2, फिर क्या आ जाएगा CrO4, और इस पर फिर क्या होगा होल 2। अब ये ब्रैकेट के अंदर है तो इसे कोई भी कुछ नहीं करेगा, अब ये 2 और ये 2 क्या होंगे, दोनों सेम है तो कॉमन निकल जाएंगे, तो कॉमन निकलेंगे तो क्या होंगे, देखो बुआ अगर ये Zn है और यहाँ पर CrO4 है, कैसे निकलता कॉमन, देखो बुआ 2 है और यहाँ पर 2, काटोगे तो दोनों साइड में क्या होगा 1/1 आ जाएगा, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो Zn1 आ जाएगा, और फिर Cr इसको कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे, तो यहाँ पर आ जाएगा Zn1, ये वाला 1 इसके साथ, फिर ये वाला 1 इसके साथ CrO4 पे 1, तो क्या बनेगा ZnCrO4। फॉर्मूला क्या आएगा ZnCrO4। कैपिटल और स्मॉल लेटर बहुत ध्यान दोगे, बहुत बच्चे कैपिटल और स्मॉल लेटर ध्यान नहीं देते हैं, तो इसलिए कैपिटल स्मॉल लेटर नहीं दोगे बुआ, ये तो फॉर्मूला आपको सही, ठीक है ना, और कोई बच्चा ऐसे लिख दिया ZnCrO4, दिस फॉर्मूला इज कम्प्लीटली रॉन्ग। समझ में आया ना, क्योंकि इसका मतलब होगा जिंक, जेड से कोई केमिकल का नाम ही नहीं है, N से नाइट्रोजन, C से कार्बन, R सिंगल R से तो कोई केमिकल का नाम ही नहीं है, O से ऑक्सीजन। समझ में आया ना, तो कैपिटल और स्मॉल लेटर बहुत ध्यान से और बहुत बारीकी से हमें देखना पड़ता है इसमें। चलो बुआ अब देखिए,
अब हमारे पास एक है लास्ट में बचा है ऑरिक क्रोमेट। ऑरिक का क्या होता है, ऑरस सॉरी ए यू, क्रोमेट का क्या होता है बुआ, सी आर ओ फोर पे डबल निगेटिव चार्ज, इसकी वैलेंसी वन, इसकी वैलेंसी टू, क्रॉस मल्टीप्लाई, वी विल यूज क्रॉस मल्टीप्लाई कॉन्सेप्ट। उसके बाद चलो उसके बाद ये टू यहां पर आ जाएगा ना, तो क्या बनेगा बुआ ए यू टू, क्या समझ में आया, फिर ये वन इधर चला जाएगा तो क्या बनेगा तुम्हारा सी आर ओ फोर, और यहां पर क्या आ जाएगा बुआ ये वन इधर आ जाएगा, क्या समझ में आ रहा है। अब देखो इसको हम कैसे लिखते हैं, ए यू टू सी आर ओ फोर, क्या बना ए यू टू सी आर ओ फोर, दिस इज कॉल ऑरस क्रोमेट का फॉर्मूला मिल गया हमें। चलो ये बी सीरीज हम इतना ही पे खत्म कर दे क्या, कि और बना दे इसमें, चलो एक क्वेश्चन और बना देते हैं इसमें। चलो बुआ हम लोग देखते हैं ना, फेरस क्लोरेट, मान लो फेरस क्लोरेट, इसका नंबर कितना है 22 का बी। चलो बुआ देखो फेरस क्लोरेट, फेरस क्लोरेट में क्या होगा आप जल्दी जल्दी बनाते हैं, एफ ई समझ में ना, एफ ई और सी आर ओ फोर पे डबल निगेटिव चार्ज, ब्रैकेट पहले ही यूज कर देते हैं, इसकी वैलेंसी कितना होगा बुआ टू, इसकी वैलेंसी कितना होती है बुआ टू। अब देखो दोनों टू टू है तो इसका मतलब दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो वन वन आ जाएगा, मतलब इसका रेशियो इसका दोनों का रेशियो लोगे तो वन वन आ जाएगा, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं बुआ एफ ई सी आर ओ फोर, डायरेक्टली हम लिख दे क्या एफ ई सी आर ओ फोर, मतलब अब देखो किसी को नहीं दिख रहा है तो चलो लिख देते हैं, यहाँ पर ब्रैकेट करेंगे फिर टू, दो टू सेवन है तो क्या बनेगा एफ ई सी आर ओ फोर, समझ में आया, दिस इज कॉल्ड फॉर्मूला, क्लियर हुआ। चलिए हुआ ये बी सीरीज आपका खत्म हो गया, चलो आगे खुद ऐसे ही सिंपली बनाते चलो जो बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आ जाएगा, ठीक है ना बुआ। चलो इसको जल्दी से नोट करिए, उसके बाद हम लोग देखेंगे डाइक्रोमेट, इसको नोट, एक और क्वेश्चन बना लो, चलो एक और बना लो। अब देखो बुआ 31 का बनाते हैं, ठीक है ना, वाना डाइल, ठीक है ना, क्या होगा बुआ वाना डाइल क्लोरेट, चलो वाना डाइल क्लोरेट, वाना डाइल का था वीओ, वैलेंसी कितने थे बुआ टू, देखो वीओ वैलेंसी कितने होती है, सी आर ओ फोर पे दो निगेटिव चार्ज, इस पर दो पॉजिटिव चार्ज, वी विल यूज, देखो बुआ यहाँ पर भी दो, दोनों जगह मोर देन टू एटम है तो क्या करेंगे ब्रैकेट को यूज करेंगे, दोनों जगह जब दो से अधिक है, एक से अधिक एटम है तो क्या करेंगे वो यूज करेंगे ब्रैकेट का यूज करेंगे, दोनों जगह सेम सेम है कट जाएगा तो क्या बनेगा वी ओ सी आर ओ फोर, क्या बनेगा वी ओ सी आर ओ फोर, वी ओ सी आर ओ फोर, क्या होगा बुआ वेनेडाइल क्लोरेट। चलो इसे जल्दी से नोट करो, उसके बाद हम लोग देखेंगे बुआ डाइक्रोमेट का। चले हुआ नोट कर लिए, चलिए अब नेक्स्ट में देखते हैं बुआ। देखो अगर मान लो यही क्वेश्चन है, ठीक है ना, इसको हम मिटाते हैं थोड़ा बहुत को, ठीक है ना, चलो बुआ क्वेश्चंस को थोड़ा सा हम यहाँ पर इंटरचेंज करते हैं। चलो क्रोमेट है वहां पर, अब सब में हम डाइक्रोमेट करके बना के देखते हैं तो क्या फॉर्मूला रहा है, क्योंकि ये सारा सीरीज किसका है बुआ, फिर उसमें मिल जाएगा तुम्हारा। चलो यहाँ पे कुछ था क्या, नहीं था, चलो हुआ। अब देखो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर क्रोमेट है तो हम यहां पर क्या यूज करें डाइक्रोमेट, ठीक है ना। चलो अब देखो बुआ यहां पे बी है तो ये क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। अब देखो बुआ लिथियम डाइक्रोमेट तो क्या होगा एल आई और सी आर टू ओ सेवन पे दो निगेटिव चार्ज, डाइक्रोमेट का क्या होगा बुआ सी आर टू ओ सेवन पे निगेटिव चार्ज, दो निगेटिव चार्ज। अब देखो बुआ इसको जब केमिकल फॉर्मूला बनाओगे ना तो ये तो और भी ज्यादा एटम तो ब्रैकेट यूज करना होगा, इसकी वैलेंसी वन, इसकी वैलेंसी कितनी होगी टू, तो क्या होगा बुआ एल आई टू, ठीक है ना, ये वन से मल्टीप्लाई करेगा तो ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा, क्या होगा बुआ एल आई सी आर टू ओ सेवन, क्या बेना एल आई सॉरी एल आई टू सी आर टू ओ सेवन, तो ये बन गया तुम्हारा लिथियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला। कैसे बना, ये वन था बुआ तो ब्रैकेट हमें हट गया, ठीक है ना, ये वन था तो ये वन इसके ऊपर चला जाएगा और वन जब इसके ब्रैकेट के बाहर रहेगा तो उसके इंटरनल में कोई चेंजेस नहीं आ सकते, मल्टीप्लाई वन से किसी डिजिट को करोगे एक्स, या देखो एग्जाम्पल एक्स को वन से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा एक्स आएगा, वाई को वन से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा वाई आएगा, उसी प्रकार से अगर वन से हम क्रोमीन को मल्टीप्लाई करते हैं टू क्रोमियम है
तो क्रोमियम की संख्या 2 ही रहेगी, वो 3 कभी नहीं हो सकती। क्या क्लियर हुआ? तो इसलिए हम लोग यूज करेंगे। अब देखो वो हम लोग यहाँ पे देखो जिंक क्रोमेट, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जिंक डाइक्रोमेट कर देते हैं, जिंक डाइक्रोमेट करेंगे। तो जेड एन डाइक्रोमेट Cr2O7 पे डबल नेगेटिव चार्ज, पर दो पॉजिटिव चार्ज, इसकी वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी 2। तो अब देखो हुआ दोनों की वैलेंसी जब सेम हो जाएगी तो इनमें क्या होंगे, दोनों के ऊपर में क्या 1-1 जाएंगे, हम लोग बहुत प्रैक्टिस किए पीछे। तो क्या आएगा तुम्हारा जेड एन 1, तो 1 को मल्टीप्लाई करोगे जेड एन से, तो वही हो जाएगा जेड एन Cr O7। क्या होगा, जिंक डाइक्रोमेट का फॉर्मूला होगा, गलत फॉर्मूला है, यहाँ पे 2 छूट गया, ZnCr2O7। और देखो ऑरस डाइक्लोरेट, चलो यहाँ पे 16C कर दो, ऑरस डाइक्लोरेट। ऑरस का क्या होगा, वो Au, यहाँ पे क्या होगा Cr2O7, फिर 2 निगेटिव चार्ज, इस पर 1 पॉजिटिव चार्ज, इस पर 2 वैलेंसी, इधर कितना हो जाएगा वो 1। अब देखो बुआ यहाँ पर ये जो 2 होगा, ये 2 यहाँ पर आ जाएगा, ये 1 इसके ऊपर चला जाएगा, लेकिन मोर देन 2 एटम है तो हम क्या यूज करेंगे, ब्रैकेट यूज करेंगे, फिर ये इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो वही बात हो जाएगी। तो क्या होगा बुआ Au2, मतलब ये 2 इधर चली गई और ये 1 उधर चली गई, तो Cr2 और फिर क्या बचेगा O7, क्या बनेगा ऑरिक डाइक्रोमेट। क्या आया फॉर्मूला तुम्हारा, ऑरिक डाइक्रोमेट। क्या इतना समझ में आया? चले बुआ अब हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं फेरस क्लोरेट। क्या हो सकता है बुआ, इसको तो चेंज करना पड़ेगा ना, सी और यहां पर क्या होगा डाइक्लोरेट। चलो बुआ अब देखो यहां पर Fe, चलो ध्यान से देखोगे बुआ Fe और उसके बाद यहां पर Cr2O7, इस पे 2 वैलेंसी, इस पे भी 2 वैलेंसी, इस पे 2 पॉजिटिव चार्ज, इस पर 2 नेगेटिव चार्ज, दोनों जब सेम सेम आ गया, चलो इसको बना ही देते हैं। चलो इसमें ब्रैकेट यूज तो करना पड़ेगा, ये 2 उधर चलते, देखो Fe2Cr2O7 का होल 2। अब देखो बुआ ये 2 या तो यहां देख लो, दोनों सेम सेम, सबसे आसान होगा यहां देख लोगे बुआ इस पोर्शन में तो इजीली, क्योंकि दोनों सेम सेम है तो 1-1 आ जाएगा, लेकिन यहां देखोगे थोड़ा दिक्कत आएगा, फिर यहां देखो, फिर ब्रैकेट के बाहर देखो, तो Fe1Cr2O7 और फिर क्या हो जाएगा बुआ यहां पे 1, तो क्या बनेगा Fe2O7, दिस इज कॉल्ड फेरस डाइक्रोमेट। चलो एक लास्ट देखते हैं, लास्ट में तुम्हारा क्या है, वानाडाइल, ठीक है ना, वानाडाइल क्लोराइड। तो यहाँ पे क्या होगा बुआ VOCr2O7 पे 2 निगेटिव चार्ज, पे 2 पॉजिटिव चार्ज, तो इसकी वैलेंसी भी 2, इसकी वैलेंसी भी 2, दोनों जगह सेम सेम आ गया, तो हम लोग क्या करेंगे बुआ, सिंपल था वही फॉर्मूला हो जाएगा VOCr2O7, दिस इज कॉल्ड फॉर्मूला। ये सीरीज आपका क्या हुआ, सी सीरीज खत्म हो गया, और ऐसे ही बनाओगे पूरा बन जाएगा। चलो बुआ इसको नोट करो जल्दी से, नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं फॉस्फेट, फॉस्फाइड और फॉस्फाइड का, जल्दी नोट करिए बुआ इसको। चलो बुआ नोट कर लिए, अब नेक्स्ट में देखते हैं बुआ, चलो हम इस तीनों ए बी सी सीरीज तीनों खत्म कर देते हैं एक ही बार में, चलो देखो कैसे खत्म करेंगे, ठीक है ना। यहां पर ध्यान दोगे तीनों है, देखो बुआ अब यहां पर देखो, एक पहला सी सीरीज, डी सीरीज फॉस्फेट है, फिर फॉस्फाइट है, फिर फॉस्फाइड है, ठीक है ना बुआ। अब देखो चलो पहला ले लेते, देखो बुआ क्वेश्चन देखोगे, पहला क्वेश्चन में अगर लेते हैं 1A, देखो यहाँ पर देखो 1A हम लेते हैं हाइड्रोजन, ध्यान सुनोगे हाइड्रोजन फॉस्फेट, क्या लेते हैं बुआ हाइड्रोजन फॉस्फेट। चलो ये A सीरीज हो गया, ये A सॉरी ये D सीरीज है, तो यहाँ पे A1D होगा, ठीक है ना। उसके बाद हम देखो बुआ यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, D सीरीज हो गया, उसके बाद क्या करते हैं E सीरीज। चलो E सीरीज लोगे तो क्या होगा, चाहे इस इधर 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 इधर, चलो हाँ E सीरीज देखो, चलो ई सीरीज में हम लोग क्या देखते हैं, वह हाइड्रोजन, चलो हाइड्रोजन फॉस्फाइट, फॉस्फाइट, ठीक है ना बुआ। ये क्या हो जाएगा बुआ 1E हो जाएगा, 1E सीरीज। उसके बाद एफ में देखते हैं, ठीक है ना, 1F सीरीज देखते हैं, ठीक है ना, और हाइड्रोजन फॉस्फाइड, ठीक है ना बुआ, क्या देखेंगे हाइड्रोजन फॉस्फाइड। चलो बुआ देखो इसमें हाइड्रोजन है तो H लिखोगे, फॉस्फेट, फॉस्फेट है तो PO4 पे ट्रिपल निगेटिव चार्ज, समझे, मोर देन 2 एटम तो ब्रैकेट तो यूज करना ही पड़ेगा भैया। चलो
अब देखो इसके वैलेंसी वन, इसके वैलेंसी थ्री, यहां क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर लेके आएंगे, इसको इधर लेके आएंगे, ये थ्री इधर आएगा तो क्या होगा बुआ, एच थ्री, और ये वन उधर जाएगा तो क्या होगा बुआ, पी ओ फोर का होल वन। क्या समझ में आया ना, तो इस वन को मल्टीप्लाई करोगे तो यही आ जाएगा डिजिट, तो क्या होगा H3PO4। दिस केमिकल इज कॉल्ड एज हाइड्रोजन फॉस्फेट। क्या होता है बुआ, हाइड्रोजन फॉस्फेट, और भी इनके अदर नेम है लेकिन रियल नेम क्या हुआ इसका, हाइड्रोजन फॉस्फेट। चलो बुआ अब यहाँ पे देखो बुआ, फिर वही चीज करना है, हाइड्रोजन फॉस्फाइट PO3 पे दो तीन निगेटिव चार्ज, इस पर एक पॉजिटिव चार्ज, इसकी वैलेंसी उसी प्रकार से वन होगी, इसकी वैलेंसी भी थ्री होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ पर ब्रैकेट यूज करना पड़ेगा, ब्रैकेट कभी भूलोगे नहीं। अब देखो बुआ क्या आएगा तुम्हारा, H3PO3, क्यों वन इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा H3PO3, समझ में है ना। उसका देखो यहाँ पे हाइड्रोजन फास्फेट, यहाँ पर H प्लस यूज करेंगे, यहाँ पर फास्फोरस पे तीन निगेटिव चार्ज यूज करेंगे, इसकी वैलेंसी क्या होगी बुआ, इसकी वैलेंसी वन होगी, इसकी वैलेंसी थ्री होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई यूज करेंगे, यहाँ ब्रैकेट यूज नहीं करेंगे, क्यों, यहाँ भी सिंगल, ये भी सिंगल, सिंगल सिंगल क्या होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होंगे, तो क्या होगा H3P, समझ में आया बुआ। तो ये आपका बन गया पहला, ठीक है ना, हाइड्रोजन सीरीज का पहला खत्म हो गया। चलो अब देखो बुआ, अब हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं, 1D बना लिए, चलो एक हम लोग जिंक का देख लेते हैं। चलो यहाँ पर जिंक का देखेंगे, जिंक, चलो 9 नंबर में, 9D 9D 9E देखेंगे, फिर क्या देखेंगे हम लोग, 9F देखेंगे, समझ में आया ना, 9D 9E 9F। चलो बुआ 9 बोल रहा है क्या, जिंक फॉस्फेट, ठीक है ना, जिंक फॉस्फेट, जिंक फॉस्फेट का फॉर्मूला बताइए, जिंक फॉस्फाइट, ठीक है ना, जिंक फॉस्फाइट का फॉर्मूला बताइए, जिंक फॉस्फाइड, जिंक फॉस्फाइड का फॉर्मूला बताइए, कुछ इसमें से केमिकल एग्जिस्ट नहीं भी करते हैं बट हम उनका नाम देखना पड़ेगा। चलो बुआ अब देखो बुआ, जिंक का क्या होता है, ZN होता है, फॉस्फेट का क्या होता है बुआ, PO4 पे ट्रिपल निगेटिव चार्ज, इस पर दो पॉजिटिव चार्ज, इसकी वैलेंसी दो, इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी बुआ, थ्री। अब देखो बुआ ये जो है मोर देन टू एटम, तो क्रॉस ब्रैकेट यूज करेंगे, यहाँ पर ये टू को ले जाएंगे, यहाँ पर ये थ्री को ले जाएंगे, तो क्या बनेगा तुम्हारा, ZN3, क्या है, ZN3 PO4 का होल टू, दिस इज कॉल्ड जिंक फॉस्फेट, दिस इज कॉल्ड जिंक फॉस्फेट। देखो बुआ ZN3PO4 का होल टू जिंक फॉस्फाइट, देखो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा बुआ, ZN, यहाँ पर क्या होगा बुआ, PO3 पे ट्रिपल निगेटिव चार्ज, इस पर दो पॉजिटिव चार्ज, इस पर ट्रिपल निगेटिव चार्ज, इस पर दो पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर इसकी वैलेंसी दो, यहाँ पर इसकी वैलेंसी कितनी आएगी, थ्री, क्रॉस मल्टीप्लाई क्या बनेगा तुम्हारा, ZN3, और फिर क्या बनेगा बुआ तुम्हारा, बुआ PO3 का होल टू। क्या समझ में आया, दिस इज कॉल्ड जिंक फॉस्फाइट, इसको क्या बोलेंगे बुआ, ये जिंक फॉस्फाइट। उसके बाद एक और देखो बुआ, जिंक फॉस्फाइट यहाँ पर क्या होगा, ZN पे दो पॉजिटिव चार्ज, ब्रैकेट यूज करना मत बोलना। अब देखो बुआ फॉस्फाइट पे पी, तीन निगेटिव चार्ज, इसकी वैलेंसी दो, इसकी वैलेंसी तीन, क्रॉस मल्टीप्लाई, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे बुआ तो ये जो थ्री है ये ऊपर चली जाएगी, तो ये थ्री जब ऊपर जाएगी तो यहाँ पर क्या बनेगी, ZN, और यहाँ पर क्या आएगी बुआ, थ्री, और ये जो टू है ये इस साइड चली जाएगी तो क्या होगी, पी, और यहाँ पर क्या होगा बुआ, टू। ये निगेटिव पॉजिटिव चार्ज को कैंसिल कर देना, उसे कोई मतलब नहीं है, शुरू में भी बोल रहे थे और अभी भी बोल रहे हैं बाबू। अब देखो ये हुआ फॉर्मूला तुम्हारा जिंक फॉस्फाइड का, ठीक है ना बुआ। तो ऐसे ही सारा सीरीज है, कोई सारा सीरीज है, मतलब कि ए से यहाँ पर डी सीरीज ऐसे ही बनाते चले जाओगे, दो क्वेश्चन हम बता दिए, ई सीरीज ऐसे ही बनाते चले जाओगे, और एफ सीरीज ऐसे ही बनाते चले जाओगे, और यहाँ पर पूरा आपका सारा सॉल्व हो जाएगा, और पूरा ये DPP आपका बन जाएगा बुआ। ये DPP बनाने में टाइम आपके लग सकते हैं, ठीक है ना, तो आप कभी बनाइए, लेकिन बनाइए, इसे कंप्लीट करिए, ठीक है ना। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे एक लास्ट DPP है जिसका नाम है बुआ, वो है तुम्हारा, वो वहाँ पे देखेंगे हम लोग ब्रोमेट ब्रोमाइड, ठीक है ना, ब्रोमेट ब्रोमाइड ब्रोमाइड, और क्रोमेट क्रोमाइड क्लोराइड, ठीक है ना, ब्रोमेट ब्रोमाइड ब्रोमाइड याद रखोगे, क्लोरेट क्लोराइड क्लोराइड, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। तो दैट्स ऑल टुडे, थैंक यू बुआ।